आज का हमारा टॉपिक है वृक्क नलिकाओं या नेफ्रॉन्स की संरचना। हम उत्सर्जन तंत्र पढ़ रहे हैं। सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग हमारा क्या है? किडनी। प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है? किडनी। किडनी में कौन इंपॉर्टेंट है, आज हम उसको पढ़ेंगे। वृक्क नलिकाओं या नेफ्रॉन्स की संरचना। अब आप चौंक जाएंगे, यहां कुछ ऐसे आंकड़े दिए हुए हैं, आप ये विचार करेंगे अरे इतनी लॉक नेफ्रॉन्स हमारे उत्सर्जन तंत्र में, चौंक जाएंगे। आइए एक बार आंकड़ों को देखिए, फिर लेक्चर विस्तार से। क्या लिखा है? प्रत्येक वृक्क में आपके पास दो वृक्क है। कितने वृक्क हैं? वृक्क मतलब किडनी, दो किडनी होती है। तो हर एक किडनी में, प्रत्येक वृक्क का मतलब एक एक किडनी में लगभग 8 से 12 लाख वृक्क नलिकाएं या नेफ्रॉन्स लंबी कुंडली, समझ रहे भैया, कुंडली वृक्क नलिकाएं या नेफ्रॉन्स होती है। इस आंकड़े पर गौर करिए, चौंक जाएंगे। आपके शरीर के अंदर भी है, आपके भी वृक्क के अंदर, आपकी भी किडनी, आपकी भी, आपकी भी, आपकी, आपकी सबकी किडनी में, प्रत्येक किडनी में, प्रत्येक वृक्क में 8 से 12 लाख मही। कितनी आंकड़ा है? कोई छोटा आंकड़ा है क्या? 8 से 12 लाख महीन लंबी तथा कुंडलित वृक्क नलिकाएं या नेफ्रॉन्स होती हैं, पाई जाती है। अब आप देखो, सिर्फ ये इतनी बड़ी संख्या में ही नहीं है, लार्ज नंबर में ही नहीं है, इनका कितना बड़ा महत्व है आपके वृक्क के लिए, किडनी के लिए। अगले सेंटेंस पर आप देखेंगे, जैसे शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक या क्रियात्मक इकाई को हम कोशिका कहते हैं ना, उसी तरह से वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन्स होती है। अब समझ लो बात को, प्रमुख उत्सर्जी अंग किडनी, लेकिन किडनी की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है नेफ्रॉन्स। इसे वृक्क नलिकाएं कहो या नेफ्रॉन्स कहो, नेफ्रॉन्स सुनने में कहने बड़ा अच्छा सा लग रहा है ना, तो नेफ्रॉन्स ये रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। किसकी? किडनी की। और किडनी आप सबके अंदर है कि नहीं है? कोई ऐसा भी बैठा जिसके अंदर किडनी नहीं हो भैया? सबके पास किडनी है? अरे वाह भैया, तो ये आपकी किडनी के अंदर की बात चल रही है, समझिए बात को। आपकी किडनी प्रमुख उत्सर्जी अंग, इस किडनी में, प्रत्येक किडनी में 8 से 12 लाख महीन कुंडलित, लंबी महीन कुंडलित वृक्क नलिकाएं या नेफ्रॉन्स होती हैं, और यही नेफ्रॉन्स किडनी की मतलब वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। अब यूनिट का मतलब समझ जाइए, ये यूनिट है, बेसिक यूनिट है वृक्क की, किडनी की बेसिक यूनिट है रचनात्मक और क्रियात्मक। आगे देखिए, ये कहां पाई जाती हैं? अभी तो हमने कितनी संख्या में पाई जाती हैं वो बता दिया, इसका महत्व क्या है, ये यूनिट है रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है किडनी की। अब आइए, ये इतनी इंपॉर्टेंट जो यूनिट है, ये आपके शरीर में पाई कहां जाती है, इस पे ध्यान दीजिए। नीचे का सेंटेंस पर ध्यान दीजिए, नेफ्रॉन वृक्क की, ये तो हमने बता दिया रचनात्मक, ये संयोजी ऊतक कहां पाई जाती है? संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक या पेशी तंतु में, ठीक है भैया, एक एक करके ध्यान दीजिए, संयोजी ऊतकों में, पेशी तंतुओं में, रुधिर वाहिनियों में तथा लसिका वाहिनियों में ये फंसे, कैसे कैसे मिलते हैं, फंसे और भसे। आराम आजा, कहीं माइक्रोस्कोप से देखना तब आपको ये धंसे और फंसे दिखेंगे, समझ रहे ना। देखो भैया, संयोजी ऊतक, जितने भी संयोजी ऊतक उसमें
तंतुओं, रुधिर वाहिनियों, लसिका वाहिनियों में ये दबे रहते हैं, फंसे हुए पाए जाते हैं। अब एक मिनट समरी। आज हमारी टॉपिक थी वृक्क नलिकाओं या नेफ्रॉन्स की संरचना। तो प्यारे बच्चों, वृक्क नलिकाएं या नेफ्रॉन्स जो है 8 से 12 लाख एक बड़ी लार्ज नंबर में, बहुत बड़ी संख्या में हमारे किडनी में, वृक्क में, प्रत्येक वृक्क में 8 से 12 लाख वृक्क नलिकाएं या नेफ्रॉन्स लंबी महीन कुंडली होती हैं। ये वृक्क की, किडनी की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। अब ये पाई कहां जाती है, ये भी हमने आपको बताया। जैसा संयोजी ऊतकों में, पेशी तंतुओं में, रुधिर वाहिनियों में तथा लसिका वाहिनियों में दबी फंसी हुई पाई जाती है।